सीधे हाथ पे मस्जिद शजर है, उल्टे हाथ पे मस्जिद फतह है। ये देखते हुए हम आगे को बढ़ते जा रहे हैं इंशाल्लाह जी। ये मस्जिद फतह जो है इसको राया भी बोला जाता है, राया यानी झंडा, अरबी जबान में राया झंडे को बोलते हैं। और ये आगे बढ़ते हुए ये देख रहे हैं मस्जिद जी, ये जहाँ पे सीढ़ियाँ उतर रही हैं ये मस्जिद जिन है, जहाँ पर जिनों की एक बहुत बड़ी जमात ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस ज़बान से कुरान करीम की तिलावत सुनते हुए यहाँ पे जिन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया और दीन इस्लाम में दाखिल हुए, फिर यहाँ से दीन इस्लाम, यहाँ से भी और जगह से भी दीन इस्लाम सीख करके आगे बढ़े और चीनों में जाकर के उन्होंने दीन इस्लाम फैलाया। अल्लाह तबारक व तआला करीम है जिसके ऊपर करम नवाजी फरमा दे। अच्छा ये देखें जन्नत माला कब्रिस्तान का अंदरूनी हिस्सा है, जन्नत माला कब्रिस्तान कुछ हिस्सा वो है, कुछ हिस्सा इसका ये ब्रिज के बाद है और वो आखिर में जाकर के आगे अम्मा खदीजा कुबरा रज़ी अल्लाह तआला आपकी कब्र मुबारक को आगे है। ये जन्नत माला कब्रिस्तान है, अभी भी होती है। सबसे पहले बोलना चाहिए अस्सलामु अलैका या आल जन्नत, उसके बाद जो कुछ पढ़ सकते हो पढ़ के मौला करीम ये जन्नत माला कब्रिस्तान को इस सारे सवाब का तोहफा पेश करते तो कबूल मंजूर। यहाँ पे जगह अता फरमा और कल कयामत वाले दिन जन्नतियों का पड़ोस नसीब फरमा। जो ताइफ की तुर्की दौरे हुकूमत ने सबसे पहली मीनार वाली मस्जिद बनाई, मस्जिद अली। और जो बगीचा देखेंगे हजरत अद्दास के नाम का बगीचा है, हजरत अद्दास जो रबिया के बाग में काम करने वाले थे, हजरत अद्दास वो खूबसूरत साबिय रसूल है जिन्होंने ताइफ के अंदर सबसे पहले दीन इस्लाम कबूल किया। हजरत अद्दास वो है कि जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फल और फलों का रस पेश किया। हजरत अद्दास वो खूबसूरत जात है कि जो नैनवा से चले यहाँ आए और मालिक को दीन इस्लाम कबूल करना नहीं नसीब हुआ, गुलाम को नसीब हुआ। हजरत अद्दास गुलाम थे भाई। ये देखें बगीचा है इधर, अभी छोटी छोटी सब्जियां लगाई जाती हैं इधर। और ये दूसरी शहर पे मस्जिद है, यहाँ थोड़ा आगे करके जगह है, वहाँ पे बताया जाता है कि इसी जगह पे अल्लाह के नबी आके आराम फरमा हुए आखिर के पहले। ये मस्जिद अली देखी हमने, क्या देखेंगे मस्जिद रसूल, वो मस्जिद है जहाँ पर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, जिब्रील अमीन पहाड़ वाले फरिश्ते नाजिल हुए, अर्ज किया अगर परमिशन दें इजाज़त दे दो पहाड़ों को आपस में टकरा करके ताइफ की पूरी बस्ती को ख़त्म कर दी जाए, मिले मेट कर दी जाए, सफ़ा हस्ती से मिटा दी जाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, इस बात की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मेरे रब ने रहमतुल आलमीन बना करके भेजा। ये नीचे ऊपर वो जो लोग हैं कुछ भी नहीं है, चाहे वो मस्जिद के जरिए से हो, चाहे वो बाग के जरिए से हो, चाहे वो
زمین و آسمان کے درمیان اس میدان کے اندر داخل ہو گیا وہ حاضر ہو گیا جو رب کے اندر تک یہاں پر رکھنا واجب ہے انشاءاللہ عزوجل ہم اس میدان کی زیارت کریں گے اور میدان عرفات کے اندر کل بروز قیامت کی زیارت کریں ایک بار پھر آپ کو اس مسجد نمرا کی زیارت بھی کروائی جائے گی مسجد نمرا اس کے اوپر زیارت کریں گے اس سے پہلے ایک زیارت آئے گی نام ہے نہر زبیدہ ہوا کشیوں کے شام کا ایک بادشاہ تھا خلیفہ ہارون رشید اس کی بیوی تھی زبیدہ خاتون وہ حج کے لیے آئی اور جو ہے جبل رحمت کے اوپر چڑھے اوپر چڑھتے چڑھ کے کیا دیکھتی ہے کہ ہر طرف حجاج کرام کی لاشیں ہی لاشیں ہیں احرام کی حالت میں حجاج کرام فوت ہوئے پڑے ہیں جہاں تک اس کی نظر گئی حجاج کرام کی لاشیں ہی لاشیں نظر آئی اسے بڑی حیران ہوئی اور کہا کہ یہ کیا ہوا ہے حجاج کرام کیوں فوت ہو گئے ہیں کیا واقعہ پیش آیا ہے تو اسے بتایا گیا کہ یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے حج کے موقع پر اور پانی نہ ملنے کی وجہ سے حجاج کرام فوت ہو گئے ہیں تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنی طاقت عطا فرما کہ میں یہاں تک پانی کا انتظام کروں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توفیق عطا فرمائی اسے سعادت بخشی کہ وہ یہاں تک پانی کا انتظام کر کے آئی نہ نہر کے ذریعے سے ابھی ہم مسجد نمرہ کی قریب سے زیارت کریں گے کچھ ہی فاصلے پر مسجد نمرہ پہلے ہم نے دور سے دیکھی تھی ابھی ہم اس کی قریب سے زیارت کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا مسجد نمرہ سال میں صرف ایک بار کھولی جاتی ہے ابھی یہ بند ہوگی مسجد نمرہ سال میں صرف ایک بار دو ہی بجا کو کھولی جاتی ہے ٹوٹل اس میں تین اذانیں اور دو نمازیں ہوتی ہیں تین اذانیں اور تین بجا کو ظہر عصر اور مغرب کی اور ظہر اور عصر کی نماز
1200 साल पहले का यह वाकया है। याद रहे मक्कातुल मुकर्रमा और यहाँ जहाँ से ये नहर आई, हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर पानी नहीं चढ़ता। महद हथौड़ियों और कुल्हाड़ियों से इसने पहाड़ों को काट काट कर ये रास्ता बनाया और नहर बनवाई, पानी यहाँ तक लाई। इतना अजीम काम किया। ज़ुबैदा खातून को सवाब मिलता रहा। आज हम उसका अच्छे अल्फाज के साथ जिक्र कर रहे हैं। आज भी पाइप लाइन और टैंकर के जरिए से हो चुका। 1250 साल पहले बनने वाली ये नहर आज भी उसी आलोदार के साथ कायम है। ये उस वक्त के इंजीनियरों की महारत है, उनकी करामत है कि आज भी उसी तरह ये कायम है। ये ऊपर से बंद शुदा है, ऊपर से ये पैक शुदा है, बिल्कुल पाइप की तरह स्लैब बनाए गए हैं ताबर ताकि हम जाए जहाँ, जिससे पानी नजर आ रहे हैं। वहां पर वार आ गया है, वार है, उसके अंदर प्यारे आका हजरत मोहम्मद